अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आपको इंट्रो से तो पता चल ही गया होगा कि आज क्या दिन है। आज, जी हाँ, आज मेरी बर्थडे है और मैंने कुछ मोमेंट्स हैं वो जो रिकॉर्ड की हैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मॉर्निंग में वही रूटीन थी, सुबह उठी, नाश्ता बनाया, खाया और फिर मैंने सोचा कि ये क्या रिकॉर्ड करना, रोज़ रोज़ आप लोगों को बोर करने वाली बात है एक ही चीज़ रिकॉर्ड करना। तो फिर जी ये दोपहर का टाइम हो गया था और मेरे हस्बैंड गए थे गांव, वहाँ पे उनके फ्रेंड ने उन्हें देसी मुर्गा गिफ्ट किया था। तो जो है फिर हम लोगों ने सोचा कि आज देसी मुर्गा बना लेते हैं। वैसे मैंने पहले भी अपने चैनल पर जो है चिकन की रेसिपी शेयर की हुई है देसी चिकन की, लेकिन वो और तरीके से थी, ये और तरीके से है। आज मुझे थोड़ी जल्दी थी, हम लोगों ने इवनिंग में जाना, बाहर जाने का प्लान था मेरा। मैंने कहा था कि मैंने बाहर जाना है, इस बार बाहर सेलिब्रेट करनी है बर्थडे, घर पर नहीं करनी। तो फिर जल्दी जल्दी सोचा कि चलो जल्दी जल्दी बना लेंगे तो जल्दी टाइम से खाएंगे तो इवनिंग में जा सकेंगे, नहीं तो भूख ही नहीं लगती। फिर अगर हम लोग शाम को खाना खाएँ तो फिर जो है इवनिंग में फिर कुछ खाया नहीं जाना था, इसलिए फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, फ्री होके फिर रेडी होके फिर हम लोग जाएंगे। तो फिर ये जी सिंपल सा है, जो है पहले वॉश किया चिकन को, फिर उसके बाद मैंने इसमें लहसुन और प्याज और गरम मसाले को अच्छी तरह पहले ब्राउन कर लिया था। और फिर उसके बाद जब जो प्याज है वो रेड हो गई थी तो फिर चिकन डाल दिया, चिकन को नमक डाल के हम लोग फ्राई कर लेंगे जब तक वो गोल्डन कलर नहीं हो जाता, उसका पिंकिश गोल्डन कलर हो जाएगा तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। नमक डालने का मकसद ये होता है कि जो चिकन की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, मतलब अजीब सी स्मेल आ रही होती है ना, अगर नमक डाल के फ्राई करो ना तो उसकी जो स्मेल है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये जो चिकन जो है ये फ्राई हो गया था, फिर उसके बाद इसमें मैंने जो है टमाटर डाल दिए थे और जो मसाला है हल्दी मिर्च और साबुत धनिया ये मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैंने दही भी साथ ही डाल दी थी और फिर इकट्ठे ना अच्छी तरह भुनाई कर ली थी इसकी। तो अच्छी तरह भुनाई करने के बाद जब इसका घी दिखने लग जाएगा ना फिर मैंने इसे प्रेशर कुकर में बंद कर दिया था, प्रेशर लगा दिया था ताकि ये जो है ना गल जाए। आपको पता है देसी मुर्गी जो है ना वो गलती नहीं है बिना प्रेशर के, या हल्की आँच पे पकाया जाए एक आधा घंटा तो पक जाती है, उसका अलग ही टेस्ट होता है। और आजकल हम लोगों ने प्रेशर कुकर में पका के ना जायका ही ख़राब कर लिए अपने खानों के, तो जो हल्की आँच पे पकाने का जो टेस्ट होता है ना वो अलग ही होता है। जैसे हमारी पहले हमारी माएँ पकाती होती थी, मेरी मम्मा तो अभी भी यूज़ नहीं करती हैं प्रेशर कुकर, वो कहती हैं जो हल्की आंच पे सालन पकाने का जो टेस्ट होता है ना पकने के बाद जो टेस्ट आता है वो प्रेशर कुकर में नहीं आता, तो वो कभी यूज़ नहीं करती हैं। मेरा कोई आज ना वैसे मेरा कोई मूड नहीं था खाना पकाने का, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड ने पूछा था बेगम आपको क्या गिफ्ट चाहिए, वो जब शादी को काफ़ी साल गुजर जाते हैं ना फिर सरप्राइजेज़ वगैरह गिफ्ट्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, फिर बस पूछते होते हैं हाँ क्या चाहिए तुम्हें गिफ्ट में, फिर जो हम लोग कह देते हैं वो आ जाता है। तो फिर मैंने कहा मुझे गिफ्ट कोई नहीं चाहिए, मुझे ना इस बार बाहर डिनर करा दें, हम लोगों ने ना बाहर खाना खाना है। तो फिर जी खाना तो फिर मैंने घर में बना ही लिया था, चिकन आ गया तो मैंने सोचा कि चलो बना ही लेती हूँ तो शाम को फिर देखेंगे भूख लग जाएगी दोबारा, लेकिन हम लोग जब शाम को गए ना तो फिर भूख ही नहीं थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत पिज़्ज़ा वगैरह फास्ट फूड से काम चला लेते हैं, तो इस तरह ना मेरे हस्बैंड की बचत होगी थोड़ी सी। मैं ना दही हमेशा घर में ही बनाती हूँ, आप लोग को मैंने उस दिन रेसिपी बताई थी ना पिछले व्लॉग में, आप लोग को विज़िट कर लेंगे, बिल्कुल मेरा घर में बना हुआ दही था और बहुत ही मतलब इसमें जो हम लोग बाज़ार से लाते हैं ना फुटियाँ सी हो जाती हैं अलग अलग से ना, और वो फेंटने के बाद भी ना स्मूथ नहीं होता हमारा दही, लेकिन जो घर में जो मैं बनाती हूँ ना वो एक दो चम्मच फेंटने से ना बिल्कुल स्मूथ मुलायम हो जाता है। तो इस तरह का दही आप लोग ना घर में आराम से बना सकते हैं, और वो लोग अजीब अजीब चीज़ें डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं तो फिर उसका टेस्ट भी अच्छा। जी आप लोगों में से जो जो व्यूवर्स देख रहे हैं हमारे जो किचन एक्सपर्ट हैं ख़ासतौर पर, वो लोग अपनी जो टिप्स हैं किचन टिप्स जो हैं वो ज़रूर शेयर किया करें हमारे साथ, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें।
और ताकि सब लोग की हेल्प हो जाए, मेरी भी हेल्प हो जाए। अच्छी अच्छी टिप्स ज़रूर शेयर किया करें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। बेशक चैनल सब्सक्राइब ना करें लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ये मेरी मेहनत का सिला होता है आप लोग की तरफ से। अच्छा जी, ये जो है अब जो चिकन था इसकी अच्छी तरह भुनाई हो गई थी, ऑयल नज़र आने लग गया था, तो इसमें मैंने इतना पानी डाल दिया था जितना आप लोगों ने इसमें शोरबा रखना है। अगर आप लोगों ने ग्रेवी रखनी है, नॉर्मल सी मसाले वाला बनाना है, तो फिर आप लोग इतना पानी मत डालिएगा। मैंने शोरबे वाला बनाना था क्योंकि देसी चिकन हमेशा शोरबे वाला ही अच्छा लगता है, तो मैंने उतना पानी डाल लिया था जितना मुझे ज़रूरत थी शोरबे की, ठीक है। फिर उसके बाद 5 मिनट ही लगे थे इसे गलने में, क्योंकि ये जो बीफ वगैरह थे उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। 5 मिनट प्रेशर लगाया था मैंने और ये गल गया था। तो फिर उसके बाद जी, जो अगर आप लोगों को पानी ज़्यादा लग रहा हो तो आप लोग थोड़ी देर से पका लीजिए, अगर कम लग रहा है तो आप लोग और डाल के फिर थोड़ी देर पका लीजिए। ये जी हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे बाहर बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कौन सा रेस्टोरेंट चूज़ करें, तो फिर हम लोगों ने ये चूज़ किया था पापाज़ किचन, क्योंकि इसमें हम लोग को फ़ायदा ये था कि बेसमेंट में जो मफ़िन्स है उनका केक बहुत मज़े का होता है, तो हम लोगों ने मफ़िन से केक ले लिया था। और फिर जो इनका जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर जो है ये प्ले एरिया है, तो यहाँ पर बच्चे खुश हो जाते हैं, रूहान यहाँ पर आके बहुत खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पर स्लाइड्स वगैरह हैं और झूले वगैरह हैं, तो यहाँ पर ये खेलता रहा तो थोड़ा टाइम पास हो जाता है, बच्चों का तंग नहीं करते ज़्यादा। और यहाँ का पिज़्ज़ा वगैरह भी बहुत मज़े का होता है, तो हम लोगों ने सोचा चलो यहीं ट्राई कर लेते हैं, यहीं आ जाते हैं, घर के करीब भी था। तो यहाँ पर हम लोग अब ऑर्डर दे रहे थे और फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे केक लेने, क्योंकि केक भी फिर मैंने अपनी पसंद का ले लिया था। और कौन कौन भावलपुर से देख रहा है मेरी वीडियो, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बता दें कि आप लोग भी भावलपुर से हैं, और कौन कौन यहाँ पर आया हुआ है, किस किस ने पापाज़ किचन को विज़िट किया और आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी बताइएगा। मेरा तो एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा है पापाज़ किचन में। यहाँ पर हम लोग आ गए थे नीचे बेसमेंट में केक लेने, तो यहाँ पर कुछ फ्लेवर्स ही थे ज़्यादा, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा चॉकलेट पसंद है, पर जो जो थोड़े बड़े लोग हैं वो चॉकलेट इतना खाते नहीं हैं, तो फिर हम लोगों ने कैरमल वाला ले लिया था, कैरमल और इसमें नट्स थे, तो वो कैरमल और नट्स का जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत मज़े का लग रहा था, तो ये केक भी बहुत मज़े का था। ये वाला फ्लेवर हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, वैसे नॉर्मल कैरमल भी हम लोगों ने ट्राई किया लेकिन वो इतना बहुत ज़्यादा मीठा होता, इतना मज़े का नहीं था, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा था। ये उसके बाद ही हम लोगों ने सेलिब्रेशन स्टार्ट कर ली थी, हमारा ऑर्डर भी आ गया था, फिर हम लोगों ने केक कट किया। वैसे तो अगर इन लोगों को पहले बता दिया जाए ना कि हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेशन करनी है, तो ये डेकोरेशन भी खुद कर लेते हैं। इन्होंने पोर्शन बनाया हुआ है, एनिवर्सरी है या आपकी बर्थडे है या कोई भी इवेंट है ना, तो ये अच्छी तरह बहुत अच्छी सी डेकोरेशन कर लेते हैं, तो आप लोग वहाँ पर आके सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी फैमिली, छोटी सी फैमिली है ना, तो आप लोग वहाँ पर आकर आराम से सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलें जी, ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, और अगर आपको पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आज मेरी बर्थडे है तो अपनी बहन को बर्थडे गिफ्ट दे दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को शेयर करके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद ही हम लोग आ गए थे बाहर, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हर दूसरे दिन बारिश हो जाती है, कभी भावलपुर में इतनी बारिशें नहीं हुई थी, इस बार तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और आज भी हल्की हल्की हुई थी, शुक्र है ज़्यादा नहीं हुई बारिश। बस हम लोग घर पहुंच गए थे तो तब तक बारिश रुक भी गई थी, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। अच्छा जी, आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।